पसूरी ये गाना बच्चे बच्चे तक लेके बूढ़ों तक सबने इंडिया में सुना है। सबके एक ऐसा टाइम था जब ये गाना सबके मुंह पे हर रील्स में हर बंदे ने ये बनाया होगा। सो यही जो पसूरी गाना है वो लेके आए अपने कियारा एंड कार्तिक आर्यन उनकी अपकमिंग फिल्म विच इज बींग रिलीज अभी भाई मंथ एंड में हो रही है, जिसका नाम है सत्य प्रेम की कथा। लेकिन मुझे यार ये जो फंडा है ये कॉपी पेस्ट का ये ज्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुछ तो ओरिजिनलिटी लाओ। कॉपी पेस्ट करते जा रहे हो, फिल्म लो, म्यूजिक लो, एक्शन सीन्स लो, और बहुत ज्यादा मतलब डायलॉग्स तक भाई बॉलीवुड ने छोड़ा नहीं है कॉपी पेस्ट करने के लिए। बस एक रह गया था शायद गाना, वो भी पाकिस्तान के हिट सिंगर जिनकी जिन्होंने अपनी खुद की मेहनत से ये गाना किया था, वो भी गाना भाई इन लोगों ने कॉपी पेस्ट कर लिया। आपको क्या लगता है ये सही हुआ या गलत? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हेलो दोस्तों, मैं हुजूई छोड़ूंगी नहीं मैं मूवी कोई। बॉलीवुड में आजकल ओरिजिनलिटी का कुछ रहा नहीं फंडा। उनको लगता है भाई उठा लो एंड डाल दो, हॉलीवुड से ले लो, जापानीज फिल्म से ले लो, कोरियन फिल्मों से ले लो, ब्रिटिश फिल्मों से ले लो, कहां से भी उठा लो, कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। उनका हिट हुआ जो फिल्म है भाई इंडिया में हिट रहेगा ही रहेगा, उनका एक ऐसे मूल मंत्र बन गया है। पर यार गाना वो भी पसूरी जैसा ढांसू बहुत ज्यादा हिट गाना, उसको भी आपने छोड़ा नहीं है यार, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। आपको क्या लगता है? बस एक ही बात मुझे ठीक लगी, वो है कि अरिजीत। आई जस्ट होप कि अरिजीत ये जो मतलब बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली है पसूरी की, मतलब निभाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ पड़ी है अरिजीत के कंधों पे। आई जस्ट होप कि उनकी वो आवाज की मैजिक वो चला ले और ये गाना वैसे ही मतलब फेमस हो जाए, क्योंकि भाई गाना ही इतना बढ़िया है। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो सिंगर्स है पाकिस्तानी जो बंदे हैं जिन्होंने ये गाना गाया है उनको यार थोड़ा सा क्रेडिट तो दे दिया जाता तो शायद अच्छा होता। तो पाकिस्तानी भाई लोग अली सेठी एंड शेह गिल, आपको बहुत ज्यादा मतलब मैं तो भाई आपकी फैन हो गई हूँ। क्या म्यूजिक है, क्या गाना है, क्या आवाज है। तो आई जस्ट होप कि आपको इस गाने का क्रेडिट मिल जाए।